गुड मॉर्निंग क्लास। होल फॉर्मूलेशन तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स। देखो बेटा, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, P3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, P1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, P5 हो गया, P6 हो गया, तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म और सिंबल निकालना इट्स नॉट टू इजी। इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे जो n है, n क्या होता है आपका टोटल, और ऑर्बिटल में कितनी बार कंट्रीब्यूशन हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर हम P2 की बात करें तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं n इज अ ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड r इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल आर द n फैक्टोरियल आर रिस्पेक्टिवली। जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम माइक्रोस्टेट निकालें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि p में टोटल, p में जो होता है, जो ऑर्बिटल होता है किसी भी, जैसे s का, p का, d का जो ऑर्बिटल होता है उसको हम दो बार कर लेते हैं, ट्वाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, तो दो बार ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ऑर्बिटल को हम ट्वाइस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, n इज़ द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसका ट्वाइस करेंगे तो 6 हो जाएगा। एंड r कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे P2 दिखाया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का क्या वैल्यू आया है? 6। r फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आई है? 2। तो अब हम इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 15 माइक्रो स्टेट्स। ये तो था हमारा P2 के लिए। ऐसे P3 के लिए बेटा देखो, n की वैल्यू तो 6 रहेगी लेकिन r की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे तो हमारे 20 माइक्रो स्टेट्स निकल के आ रहे हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 टाइम्स हमको करना है, तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 45 माइक्रो स्टेट्स निकल के आ रहे हैं। तो हर मतलब कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बनते हैं इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है, इसके लिए हम इस फॉर्मूले में इसको निकाल रख के आसानी से कॉन्फ़िगरेशन का माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P1 के लिए 6 आया है, P2 के लिए 15 अभी यहाँ सॉल्व किया गया, P3 के लिए 20 ये सॉल्व हुआ, P4 के लिए 15 है, P5 के लिए 6 है, और P6 के लिए 1 है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम D1 से D10 तक की बात करें तो इनके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये निकल के आए हैं। ओके बेटा, एक चीज़ और, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होते हैं। देखो यहाँ D5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो माइक्रोस्टेट्स कितने हैं? 252। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सबसे ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स किसका है? P3 का। ठीक, ये तो रही माइक्रोस्टेट की बात। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, हमको पता है जैसे हमने डी ऑर्बिटल लिया, तो ये डी ऑर्बिटल, ये पांचों ऑर्बिटल डी के, 1, 2, 3, 4, 5, ये डी जनरेट होते हैं, और दो ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल का केस बता रही हो, दो ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे जाते हैं। तो जब हम इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो लाइट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो एब्जॉर्ब करता है, कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है,
कुछ एनर्जी को वो क्या कर देता है, इमिट कर देता है। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है तो इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और जब एनर्जी को वो इमिट करता है तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है तो दो तरह के स्पेक्ट्रा फॉर्म होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। तो आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि ट्रांजिशन होता क्या है और ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ में हो रहा है। जैसे यहाँ पे T2G है और यहाँ पे ईजी लेवल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से कहाँ में हो रहा है, T2G से ईजी लेवल में। तो ईजी लेवल में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये एक स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं, उसी स्पेक्ट्रा की हमें स्टडी करनी है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे होता है आपका एक सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कि जो डेल्टा एस है वो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो। और एक होता है आपका लेपर्टे रूल। लेपर्टे रूल में जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो अब ये समझते हैं क्या होता है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, इसके स्पिन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब S1 जो है वो S1 की स्पिन भी क्लॉकवाइज है और S2 की स्पिन भी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से अगर हम टोटल डेल S की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। कोई चेंज इन दोनों में नहीं हुआ है, क्लियर। जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे स्पिन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो जब स्पिन में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ज़ीरो। और जब डेल्टा एस की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो इस तरह का ट्रांजिशन अलाउड होता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज आके यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज हो जाए तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, क्लियर। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अभी। और एक होता है आपका लेपर्टे रूल, जिसमें डेल एल की जो वैल्यू होती है ये प्लस माइनस वन होनी चाहिए, मतलब जो ट्रांजिशन होगा, जैसे एस है, पी है, डी है और एफ है। एस में, एस से इलेक्ट्रॉन पी में जा सकता है, पी से डी में जा सकता है, डी से एफ में जा सकता है, मतलब इन दोनों में प्लस वन का ही डिफरेंस आ रहा है। या फिर एफ से डी में आए, डी से पी में आए, पी से एस में आए, तो यहाँ पे माइनस वन का डिफरेंस आ रहा है। तो लेकिन अगर सोचो कि इलेक्ट्रॉन एस से डायरेक्ट पी में चला जाए तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं लेपर्टे फॉरबिडन, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेपर्टे अलाउड। दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एक फॉरबिडन और एक अलाउड, ठीक है। अब देखो बेटा, डी में देखो, डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो ट्रांजिशन होगा वो लेपर्टे फॉरबिडन होगा, लेकिन स्पिन अलाउड होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्रांजिशन रूल। ट्रांजिशन रूल में मैंने अभी आपको बताया स्पिन अलाउड एंड लेपर्टे अलाउड, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन में सिर्फ और सिर्फ स्पिन अलाउड होता है, स्पिन फॉरबिडन नहीं लिया जाता, जबकि लेपर्टे फॉरबिडन होता है, क्योंकि डी से डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। अब पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ रसल सेंडर स्टेट्स इन ऑक्ट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इनके अकॉर्डिंग एन एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, सिमेट्रिकल, राउंड इन शेप में होता है एंड इज नॉट अफेक्टेड बाई एन ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड। एस ऑर्बिटल जो होता है स्पेरिकल शेप का होता है और ये ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड में इफेक्टेड नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। हैंस नो स्प्लिटिंग इन इज इन्वॉल्व हेयर। द पी ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, उसमें डायरेक्शनल होता है, एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं, बट दे हैव सेम टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, लेकिन इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, सेम होता है। दीज आर अफेक्टेड बाय ऑक्टाहेड्रल फील्ड बट टू इक्वल एक्सटेंट, देयरफॉर देयर एनर्जी लेवल रिमेन इक्वल एंड नो स्प्लिटिंग अकर, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इफेक्टेड तो होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है बिकॉज ऑफ सेम ओरिएंटेशन।
द 5 डे ऑर्बिटल आर स्प्लिट बाय द ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड इनटू टू लेवल. ये मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था, T2z लेवल एंड EZ लेवल. T2z में एक्सेस वाले होते हैं और EZ में क्या, सॉरी, T2z में नॉन एक्सेस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और EZ में एक्सेस वाले ऑर्बिटल होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल इज 10 dq. ये भी आपने पढ़ा हुआ है. द T2z लेवल इज ट्रिपली डिजनरेटेड एंड इज 4 dq बिलो द बैरी सेंटर. ये होता है बैरी सेंटर और इसके नीचे का जो डिस्टेंस होता है T2z और बैरी सेंटर के बीच, इसको बोलते हैं 4 dq. फॉर एंड EZ इज अ डबली डिजनरेट एंड बैरी सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होता है वो 6 dq होता है. ठीक है. फॉर D1 कॉन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट इज 2D स्टेट एंड T2Z एंड EZ लेवल करस्पॉन्ड टू T2Z एंड EZ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट एज सोन इन. ठीक है बेटा, यहाँ में मैंने बताया कि S जो होता है वो स्प्लिट नहीं होता, P अफेक्टेड तो होता है लेकिन वो भी सेम फील्ड में रहता है, उनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए वो सेम ओरिएंटेशन की वजह से वो भी स्प्लिट नहीं होते हैं. डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, EZ और T2Z में. EZ जो होता है वो डबली डिजनरेट होता है जबकि T2Z जो होता है वो ट्रिपली डिजनरेट होता है. बैरी सेंटर से EZ का जो डिस्टेंस होता है वो 6 dq होता है और बैरी सेंटर से नीचे T2Z का जो डिस्टेंस होता है वो 4 dq होता है. जो F ऑर्बिटल होता है, ठीक है, F ऑर्बिटल्स होते हैं, ये स्प्लिट होते हैं 3 पार्ट में, T1Z, T2Z और A2Z. ठीक है, ये बैरी सेंटर होता है. ठीक है, बैरी सेंटर से जो T1Z होता है वो 6 dq होता है, T2Z बैरी सेंटर से 2 dq होता है, जबकि A2Z बैरी सेंटर से 12 dq होता है. तो ये हो गया 5 तरह के ऑर्बिटल. S जो स्प्लिट नहीं होते, P भी स्प्लिट नहीं होते, D 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं जबकि F 3 पार्ट में स्प्लिट होते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल गया है, S एंड P स्टेट डू नॉट स्प्लिट, D स्टेट स्प्लिट इनटू 2 स्टेट EZ एंड T2Z, F स्टेट स्प्लिट इनटू 3 स्टेट A2Z, T2Z एंड 1G. अब इसी के बिहाफ पे मुल्किन जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक सिंबल दिया. मुल्किन के अकॉर्डिंग अगर S स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है S है, तो वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में उसका जो सिंबल होगा ये A1G होगा और टेट्राहेड्रल में G हटा देते हैं तो A1 हो जाएगा. P स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, P भी जो है हमारा क्या हो रहा है, स्प्लिट तो हो नहीं रहा था, इसका जो सिंबल था मुल्किन सिंबल T1G था और टेट्राहेड्रल में ये T1 हो जाएगा. D स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए D 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, EZ और T2Z. देखो यहाँ पे सब कैपिटल यूज़ किया गया है, जबकि जब हम स्प्लिटिंग पढ़ रहे थे तो सब स्मॉल यूज़ करते थे, लेकिन मुल्किन सिंबल हम कैपिटल में यूज़ करेंगे. तो ये कैपिटल EZ प्लस कैपिटल T2Z. टेट्राहेड्रल में G हटा देते हैं और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, E प्लस T2. F सिंबल जो होता है, F स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, A2Z, T1Z और T2Z, और यहाँ से सब में से G हटा देंगे तो ये टेट्राहेड्रल का बन जाएगा. G हमारा A1G, EG, T1G, T2Z में स्प्लिट हो रहा था और टेट्राहेड्रल फील्ड में वही रहेगा, बस G हट जाएगा. क्लियर बेटा. अब आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. द अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मतलब जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करता है लिगैंड पे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड के ऊपर. ठीक है, तो उसी के बिहा पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, जिसमें क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, CN, उससे कम NO2, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, I-. इसको, इधर वाले पार्ट को हम वीक फील्ड बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं. क्लियर बेटा. तो ये था आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस 1 by 1. स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड जो होते हैं, मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, उनको हम
पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है, यहाँ पे टी टू जी होता है, यहाँ पे ई जी होता है, और जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो ट्रांजिशन होता है, इसी की वजह से क्या होता है, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, और इस स्पेक्ट्रम को हम ऑर्गल डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आता है ऑर्जल, इसको बहुत लोग ऑर्गल बोलते हैं, बहुत लोग ऑर्जल बोलते हैं। तो ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कॉम्प्लेक्स शुड बी वीक फील्ड नेचर, जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो वीक फील्ड नेचर का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होना चाहिए, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसमें वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, जो लिगैंड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वीक होने चाहिए। जैसे वाटर यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है। ओके, अब यहाँ से निकल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकिल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 में चला जाएगा। क्लियर बेटा? अब हम यहाँ से देखो, पहली पहली कंडीशन तो अलाउ हो गई कि वीक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, वीक फील्ड नेचर का होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। दूसरा है स्पिन अलाउड, ये हम देखते हैं। मान लो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डाला तो उससे क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे पहले 3 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहीं से जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए, या यहाँ से जाए, या फिर यहाँ से जाए। और ऊपर जाएगा तो या तो यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा, मतलब या तो ये वाली कंडीशन बनेगी या फिर ये वाली कंडीशन बनेगी। क्लियर? अब देखो ये जो और यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे भी देखो, या तो यहाँ वन आएगा, या यहाँ वन आएगा, या फिर यहाँ वन इलेक्ट्रॉन आएगा। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ओके, इसमें भी देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो यहाँ इस केस में भी 3 ही आएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो 3 आएगा। यहाँ भी देखो हाफ ये है और हाफ नीचे है, इसको भी इस फॉर्मूले में रखेंगे 3 आएगा। तो बिफोर और आफ्टर दोनों ही कंडीशन में जो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो ये ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या बताया, जो अगर हमें ट्रांजिशन के लिए ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो वीक फील्ड का होना चाहिए, दूसरा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे D5 का केस देखो, D5 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें हमने EMR सप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। जब यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ पे डबल हो जाएगा या फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाएगा। अब देखो पहले टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। अब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डेल एस की वैल्यू है ये क्या हो गई, चेंज हो गई, यहाँ पे 5 थे यहाँ पे 3 हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रांजिशन जो होता है फॉरबिडन हो जाएगा एंड डू नॉट मेक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा वही बनाएंगे जिसमें या ऑर्जल डायग्राम के अकॉर्डिंग या तो फील्ड जो होना चाहिए वो वीक फील्ड होना चाहिए, और ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, तभी स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा। क्लियर?